हमारी बुद्धि या फिर हमारा दिमाग माया से ग्रसित होता है, मतलब माया द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हालांकि इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के दौरान हमें जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर माया द्वारा ऑपरेट की जाने वाली इस बुद्धि के साथ हमें कोई डिसीजन लेना हो तो माया द्वारा ऑपरेट की जाने वाली हमारी बुद्धि के डिसीजन लेते वक्त अगर हम अपने विवेक को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर हमारा डिसीजन एक मूल सत्य जरूर होता है। सपोज आपको सुनसान रास्ते पर एक सोने की ईंट मिल जाती है तो क्या आप उस सोने की ईंट को उठाएंगे? यकीनन 99% से भी ज्यादा लोग उस सोने की ईंट को उठा लेंगे, क्योंकि माया द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला हमारा दिमाग हमसे कहेगा कि कोई नहीं देख रहा है, वैसे भी मैंने इस सोने की ईंट को चुराया थोड़ी है, या फिर ये सोने की ईंट तो मुझे किस्मत से मिली है या फिर मुझे ऊपर वाले ने दी है। तो माया द्वारा संचालित हमारी बुद्धि हमसे बार बार कहेगी कि इस सोने की ईंट को उठा ले और इससे अपना भला कर। लेकिन माया द्वारा ऑपरेट की जाने वाली इस बुद्धि के फैसले के साथ हम विवेक भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर हमारा विवेक हमसे कहता है कि ये ईंट भले ही मेरा ना हो या फिर मैंने इसे किसी से ना चुराया हो या फिर इसे ऊपर वाले ने ही किस्मत से मुझे क्यों ना दिया हो, ये मेरा तो नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं उठाऊंगा। भले ही ईश्वर ने ही मेरे सामने ये सोने की ईंट क्यों ना रखी हो, मैं इसे ईश्वर की एक लीला समझकर भूल जाऊंगा, ये वास्तव में मेरी तो वैसे भी नहीं है। और ठीक इसी तरह का सिद्धि मार्ग और मुक्ति मार्ग भी होता है। सिद्धि मार्ग में जहां हमें बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं वहीं मुक्ति मार्ग में भी हमें बहुत तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन जो साधक सिद्धियों को इग्नोर करता है और मोक्ष या फिर मुक्ति के मार्ग पे चलता है तो वो कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी मायाग्रस्त बुद्धि के इस्तेमाल के साथ साथ अपने विवेक का इस्तेमाल भी करता है। जैसा कि मैं अपनी UPI ID देता हूँ और उसके साथ एक मैसेज भी लिखता हूँ कि स्वेच्छा से सपोर्ट करें। तो जो लोग बुद्धि और विवेक के साथ फैसला करना नहीं जानते होंगे तो उनके दिलो दिमाग पे बहुत तरह के ख्याल आ सकते हैं कि इस तरह से UPI ID देने का क्या मतलब है, जरूर ये कोई फ्रॉड हो सकता है, अगर ये निष्पक्ष होता या फिर सही होता तो फिर ये इस तरह से UPI ID नहीं देता। लेकिन वही मेरे मैसेज में एक लाइन भी ऐड होती है, स्वेच्छा से सपोर्ट करें, जिसका मतलब सिर्फ उसी को समझ में आएगा जो कोई भी फैसला लेने से पहले बुद्धि के साथ साथ अपने विवेक का इस्तेमाल भी करता है। तो जिन्हें बुद्धि और विवेक के कॉम्बिनेशन का मतलब ही नहीं पता है या फिर इस्तेमाल करना ही नहीं आता है तो उनके लिए तो मेरा UPI ID देना एक तरह से लूटने के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि स्वेच्छा से सपोर्ट करें, अरे क्यों करें स्वेच्छा से सपोर्ट, मेहनत से कमाओ। मेरी UPI ID के नीचे जो स्वेच्छा से सपोर्ट करें वाली लाइन होती है, आपको सपोर्ट करना है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सपोर्ट कर ही रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले आप बुद्धि के साथ साथ विवेक का भी इस्तेमाल करें, यही मेरे उस कमेंट का पूरा मतलब होता है। हालांकि जो स्वेच्छा होती है वो मैं आपके अंदर नहीं डाल सकता, स्वेच्छा तो आपको खुद ही जागृत करनी पड़ेगी। जो माया होती है वो आपकी बुद्धि के साथ साथ आपके विवेक को भी भ्रष्ट करने का काम करती है। एक आम इंसान को कोई भी फैसला लेना होता है तो मायाग्रस्त बुद्धि द्वारा वो सीधे सीधे जो भी फैसला उसके पक्ष में होता है या फिर जो उसके स्वार्थ के काम की चीज होती है वो सीधे सीधे फैसला कर लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान साधना के क्षेत्र में होता है तो उसे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, स्पेशली अगर वो मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है, सिद्धि मार्ग में नहीं चल रहा है। तो अगर कोई साधक सूक्ष्म जगत की अपनी यात्रा के दौरान जो भी फैसला लेना होता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लेता है, अपने विवेक का इस्तेमाल साथ में नहीं करता है, तो फिर वो लंबे समय तक भ्रमित ही रहने वाला है। क्योंकि सिद्धि मार्ग में तो वैसे भी एक साधक को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और अगर कोई साधक सिद्धियों द्वारा दिए गए प्रलोभनों को स्वीकार कर लेता है तो अपने विवेक को भ्रष्ट करने में भी उस साधक का खुद का ही हाथ होता है। और एक बार किसी इंसान या साधक का विवेक अगर भ्रष्ट हो जाता है तो फिर उसे मुक्ति या फिर मोक्ष के मार्ग पर चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मोक्ष के मार्ग पर चलने पर कोई भी फैसला लेने से पहले आपको बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही होता है लेकिन साथ में विवेक का इस्तेमाल भी जरूर करना होता है। मतलब फैसले का यस नो मूल सत्य वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पक्ष में है या फिर आपके स्वार्थ में है तो तुरंत आपने उस चीज को लपेट लिया या फिर लपक लिया। एनीवेज आज जो मेरा ये मोबाइल फोन है ये हैंग हो गया है तो मुझे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। और सोशल मीडिया के एडिक्शन की बात अगर मैं करूँ तो जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वैसे आम इंसान को जीना है, और जो लोग सोशल मीडिया पर दिखाने का काम कर रहे हैं वो खुद वैसा नहीं जी पा रहे हैं,
मतलब वो भी झूठ दिखा रहे हैं। ग्लोबली एक सर्वे हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें रिजल्ट ये आया है कि आजकल का जो युवा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और युवाओं के स्ट्रेस में होने की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया को बताया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो भी दिखाया जा रहा होता है, जो भी वो दिखा रहे होते हैं, वो खुद वैसा नहीं जी पा रहे होते हैं, मतलब वो नकली होता है। लेकिन आम इंसान के दिमाग में ये मैसेज जाता है कि हमें भी ऐसी जिंदगी जीनी है, जबकि उन्हें जो दिखाया जा रहा होता है वो खुद ही नकली होता है। सोशल मीडिया के सच के बारे में 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करें। लेकिन तब से लेके आज तक बहुत कुछ बदल चुका है, तो जो भी लोग मौके की तलाश कर रहे हैं और उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है, हालांकि जो भी आप करना चाहते हैं आपसे पहले वो बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, जैसा कि पुराने लोगों ने पक्षियों की उड़ान चोरी करके हवाई जहाज बना ही दिया है, चूहे को जमीन में खुदाई करता हुआ देखकर जमीन में खोदने वाली मशीन भी बनाई दी है, मछलियों की तैराकी चोर के इंसान खुद तैरने वाला बन ही गया है, और जो भी आप करना चाहते हैं आपसे पहले ही वो कोई न कोई कर चुका है। आपके आसपास में ही बहुत सारे लोग होंगे, आप उनकी हालत देख लो। आपके दिमाग में कुछ करने का कीड़ा जो ये मानव निर्मित विज्ञान या फिर मानव निर्मित मीडिया या फिर मानव निर्मित पढ़ाई ने डाला है, वो कीड़ा कुछ हद तक कम हो जाएगा। हालांकि जो भी आप करना चाहते हैं आपसे पहले ही हजारों करोड़ों खरबों लोगों ने वो कर दिया है, आपके लिए कुछ बचा है तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना ही बचा है। लेकिन आपको ये बात भूलनी नहीं है, सोशल मीडिया पे आपको जो भी चमक धमक दिखाई जा रही है वो नकली चमक धमक है। हालांकि एडिक्शन की वजह से हर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे भी इस तरह की लाइफ जीनी है। जो ये सब दिखा रहे होते हैं वो खुद तो ऐसी लाइफ जी नहीं रहे होते हैं, वो तो सिर्फ एक रोल निभा रहे होते हैं। तो आपको स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको कॉपी पेस्ट करने का मौका जरूर मिलेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा, स्वेच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।